अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, वेलकम टू आवर चैनल एजे एसोसिएट। और मैं हूं मियां आमिर। बहरिया डाउन कराची की तरफ से एक पॉजिटिव और एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव जो कि अभी रिसेंटली लिया गया है। बहरिया डाउन ने एक रिसेंटली सर्कुलर जो है वो इशू किया है, जो कि बहरिया डाउन कराची के जितने भी रेजिडेंट्स हैं और स्पेशली जो बहरिया डाउन कराची में फूड का कारोबार करने वाले लोग हैं, उनके लिए जो है ना ये बहुत अच्छा एक पॉजिटिव इनिशिएटिव है। इस चीज़ का जो है बहरिया टाउन में रहने वाले भी और बहरिया में कारोबार करने वाले लोग भी बहुत टाइम से वेट कर रहे थे, तो बहरिया ने अभी हालात को मद्देनज़र रखते हुए इस चीज़ की परमिशन दे दी है। अच्छा, मैं सबसे पहले आप लोगों को बताता चलूं कि कराची के अंदर जो है वो लोगों की आदत है, लोगों को एक आदत हो चुकी है कि वो लेट नाइट तक जो है वो ऐसे समझ लें कि कराची वालों की जो है ना वो कराची वालों का दिन जो है वो उसकी शुरुआत ही रात से होती है। तो रात को लेट नाइट तक उनका बैठना, सीटिंग करना, चाय पीना, मतलब डिनर प्लान करना, ये उनकी जो है वो एक आम रूटीन होती है। अभी तो ये कराची वाले जो है ना, ज़ाहिर सी बात है, जब बहरिया टाउन कराची में रहने के लिए आए तो इनको बहरिया टाउन कराची के अंदर ये चीज़ देखने को नहीं मिली। इस वजह से बहरिया टाउन कराची के रेजिडेंट का बहरिया की मैनेजमेंट के साथ एक ये एतराज़ था कि यार हम लेट नाइट तक बहरिया टाउन में लेट नाइट तक अपनी फैमिली के साथ डिनर प्लान नहीं कर सकते हैं, कहीं पे सिटिंग प्लान नहीं कर सकते हैं, इसके लिए हमें बहरिया से बाहर जाना पड़ता है। और वो लोग जो बहरिया टाउन कराची में अपना फूड बिज़नेस जो है वो बिज़नेस कर रहे हैं या सोच रहे हैं करने का, उन लोगों का एतराज़ था कि यार हमें लेट नाइट तक अपने जो है रेस्टोरेंट्स खोलने की इजाज़त नहीं है, इस चीज़ की परमिशन नहीं है, हमें आउटडोर डाइनिंग की परमिशन नहीं है। तो बहरिया ने जो है ना इन सारे एतराज़ को मद्देनज़र रखते हुए अभी इस चीज़ की परमिशन दे दी है, जो कि हमारे लिए और बहरिया के रहायशियों के लिए और बहरिया में कारोबार करने के लिए जो करने वाले लोग हैं उनके लिए बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ है। जबकि कराची में लेट नाइट तक लोग जो है वो जागते हैं, तो पंजाब में भी अभी देखा जाए तो पंजाब में भी अभी लेट नाइट तक जो डिवेल्प हमारे सिटीज़ हैं जैसे लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, उन उधर भी अभी लेट नाइट तक जो है ना लोग बैठते हैं, रेस्टोरेंट खुले हुए होते हैं। तो बहरिया टाउन कराची में इस चीज़ की बहुत ज़रूरत थी। अच्छा, बहरिया ने अभी सर्कुलर में कुछ SOPs रखी हैं, कुछ गाइडलाइंस भी दी हैं, इस चीज़ की परमिशन दे दी है स्पेशली बहरिया टाउन कमर्शियल मिडवे AB और प्रिसेंट 10 कमर्शियल के जो लोग हैं उनके लिए, और जो जिनाए वेन्यू कमर्शियल है वहाँ पे इस चीज़ को अभी जो है वो नहीं लेके आया गया। बहरिया टाउन आगे से आगे देखेगा। अच्छा, बहरिया टाउन ने ये जो परमिशन दी है ये एक महीने के लिए दी है। बहरिया आगे देखेगा इसको कि बहरिया में जो कारोबार करने वाले लोग हैं उनका क्या रिस्पांस है, बहरिया फिर उसको फॉलोअप करते हुए इसको एक्सटेंड कर देगा। अच्छा, अब इसकी बात कर लेते हैं कि हम बहरिया की तरफ से क्या गाइडलाइंस हैं, इसका प्रोसेस क्या है और इसकी SOPs क्या हैं। सबसे पहले तो अभी आपको स्क्रीन पे भी नज़र आ रहा होगा, बहरिया टाउन ने क्लियरली मेंशन किया है एक्सटेंशन ऑफ बिजनेसेस टाइमिंग्स एंड परमिशन फॉर आउटडोर डाइनिंग एट मिडवे कमर्शियल AB एंड प्रेजेंट 10 कमर्शियल। अच्छा, इसके बाद बहरिया ने जो है वो कुछ गाइडलाइंस भी दी हैं। बहरिया टाउन कराची के अंदर जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हुई हुई हैं और जो कंस्ट्रक्शन होने जा रही हैं, बिल्डिंग से लेके फुटपाथ तक एक आर्केड की जो है जगह छोड़ी जाती है 7 to 8 feet की, बहरिया ने वहाँ पे आपको आउटडोर डाइनिंग की जो है परमिशन दी है। और उसके साथ साथ जो बिल्डिंग्स ऑलरेडी कंस्ट्रक्ट हुई हुई हैं उसके साथ जो है कुछ प्लॉट्स खाली पड़े हुए हैं, वहाँ पे जो है आप लोग आउटडोर डाइनिंग जो है ना वो कर सकते हैं। लेकिन उसकी कुछ SOPs हैं, वो SOPs जो है वो क्या हैं वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, अभी आपकी स्क्रीन पे भी आ रहा होगा। नंबर वन ये है कि परमिशन फॉर आउटडोर डाइनिंग विल बी ग्रांटेड टू दोज रेस्टोरेंट्स इन मिडवे कमर्शियल AB एंड प्रेजेंट 10 कमर्शियल हु विल अप्लाई इन मेंटेनेंस एंड सर्विस डिपार्टमेंट अलोंग विद ड्राइंग ऑफ सजेस्टेड आउटडोर डाइनिंग एरिया। जी, तो जो लोग आउटडोर डाइनिंग एरिया में अपनी जो है वो जो लोग बिज़नेस कर रहे हैं, जो ओनर्स चाह रहे हैं कि वो आउटडोर डाइनिंग करें अपने रेस्टोरेंट्स की, उनके लिए ये SOPs सबसे पहले तो मैंने आपको बता दी है। उनको अपना लेआउट प्लान अपने आर्केड का जो उसके साथ प्लॉट खाली है वहाँ पे अगर करना चाह रहे हैं तो उसका लेआउट प्लान बहरिया के मेंटेनेंस पोजेशन डिपार्टमेंट में सबमिट करना है, उसके बाद बहरिया जो है आपको उस चीज़ की जो है परमिशन देगा। अच्छा, दूसरे नंबर पर हम आ जाते हैं। दूसरे नंबर पे जो है बहरिया, द परमिशन विल बी फॉर अ पीरियड ऑफ 1 month इनिशियली विच कैन बी एक्सटेंडेड आफ्टर एक्सटेंडिंग द सूटेबिलिटी ऑफ द अरेंजमेंट्स मेड बाय द रिस्पेक्टिव रेस्टोरेंट।
वही बात आ गई कि सर आप अगर बहरिया की मैनेजमेंट को अच्छा रिस्पॉन्ड करेंगे तो बहरिया इसको जो है एक्सटेंड भी कर देगा। फ़िलहाल बहरिया एक महीने की आप लोगों को परमिशन दे रहा है। अगर आप लोगों ने बहरिया को रिस्पॉन्ड पॉजिटिव दिया, अच्छा दिया, जो कि हमारी ज़िम्मेदारी बनती है, जो है वो हम सफाई का ख्याल रखेंगे हम लोग और बहरिया की SOPs को फॉलो करेंगे तो बहरिया इसको एक्सटेंड भी कर देगा। अच्छा जी, तीसरे नंबर पे आ जाता है आर्केड एंड एरिया बिटवीन आर्केड एंड फुटपाथ विल बी अलाउड टू बी यूज एज पर ड्यूली मार्क अप्रूव्ड ड्राइंग। नो एक्टिविटी ऑन फुटपाथ और पार्किंग एरिया, नो एक्टिविटी ऑन फुटपाथ और पार्किंग एरिया। इससे क्लियरली मेंशन हो जाता है कि फुटपाथ के ऊपर और पार्किंग एरिया में आउटडोर डाइनिंग आप लोग नहीं कर सकते हैं। फुटपाथ और बिल्डिंग के बीच में जो एक आर्केड एरिया होता है वहाँ पे आप लोग आउटडोर डाइनिंग कर सकते हैं या फिर उसके साथ वाला प्लॉट जो खाली है वहाँ पे आप लोग कर सकते हैं। अच्छा, चौथे नंबर पे आ जाता है जी एज द क्लोजिंग टाइम हैज़ आल्सो बीन एक्सटेंडेड। जो क्लोजिंग टाइम पहले था, हमारे लोगों का एतराज़ था, रेस्टोरेंट ओनर का एतराज़ था यार 11 से 12 बजे तक जो है ना हमारा रेस्टोरेंट ओपन होता है, उसके बाद हमें क्लोज़ करना पड़ता है, तो उसकी जो है वो टाइमिंग 24/7 कर दी गई है। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है टाइमिंग की, आप लोग जो है वो डे नाइट चला सकते हैं अपने रेस्टोरेंट। इसके साथ साथ जो है आउटडोर डाइनिंग भी आप लोग जो है वो 24/7 कर सकते हैं। अच्छा, एज द क्लोजिंग वो मैंने आपको बता दिया, नंबर 4 पे है ऑनर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्योरिटी ऑफ द कस्टमर एट नाइट। जो लोग 24/7 रेस्टोरेंट ओपन कर रहे हैं उन लोगों की ये ज़िम्मेदारी है। बैरिया ने क्लियरली मेंशन किया है कि उनकी जो कस्टमर आप लोगों के पास आ रहे हैं उनकी सिक्योरिटी का ख्याल रखना ये आप लोगों की ज़िम्मेदारी है। बैरिया भी ख्याल रखेगा, ज़ाहिर सी बात है बैरिया इससे आउट नहीं हो रहा, लेकिन उन ऑनर रेस्टोरेंट ऑनर की भी ज़िम्मेदारी बनती है कि वो अपने कस्टमर की सिक्योरिटी का ख्याल रखें। अच्छा, नंबर 5 पे आ जाता है डाइनिंग टेबल चेयर एंड अदर आइटम्स प्लेस्ड फॉर आउटडोर डाइनिंग विल बी रिमूव डेली बिफोर क्लोजिंग द रेस्टोरेंट। भाई, अपना रेस्टोरेंट बंद करने से पहले आपने जो आउटडोर डाइनिंग के लिए जो भी आपने टेबल चेयर्स वहाँ पे लगाई होंगी वो क्लोजिंग से पहले आप लोगों ने वहाँ से रिमूव करनी है और वहाँ पे उस एरिया की आपने क्लीनिंग करनी है फुल बटा फुल, अगर आप लोग उसको आगे एक्सटेंड करना चाहते हैं तो, अगर आप चाहते हैं कि बहरिया अच्छा रिस्पॉन्स करे आपको। अच्छा, इसके साथ जो है बहरिया ने इस चीज़ को भी जो है ना वो मद्देनज़र रखा है। जैसे आपने अक्सर देखा होगा कि कराची में शहर में जितने भी रेस्टोरेंट हैं आउटडोर डाइनिंग का जो एरिया होता है वहाँ पे उसको जो है लाइटिंग की वहाँ पे की गई होती है, उसको प्रॉपर लेवल किया गया होता है। जैसे डिफेंस में आप चले जाएँ वहाँ पर जो खाली स्पेस होती है आउटडोर डाइनिंग जहाँ पर की गई होती है वहाँ पर लाइटिंग की गई होती है प्रॉपरली और उसको लेवल किया गया होता है, तो उस चीज़ का भी आपने ख्याल रखना है। लेकिन उसके साथ साथ जब आपने लाइटिंग करनी है तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि उसकी जो वायरिंग है लाइटिंग की वो आपने अंडरग्राउंड करनी है। ये कराची नहीं है कि आप ऊपर से जो है ना वो तारें डाल के उसको लाइटिंग जो है ना वो कर लेंगे, ये बहरिया टाउन कराची है तो अंडरग्राउंड आप लोगों ने करनी है। हाँ जी जी, 7वें नंबर पर आ जाता है जो कि अल्कोहलिक चीज़ें हैं, जैसे कि बहुत सारे हमारे कराची बॉयज़ जो हैं वो शीशा पीते हैं और उसके साथ साथ गुटखा पान और अदर इस तरह के जितने भी आइटम हैं वो चीज़ें आप लोगों ने यूज़ नहीं करनी है। अगर कोई यूज़ करता पकड़ा गया तो वो फिर अपनी ज़िम्मेदारी आपके तहत होगा, इसलिए देखें इसलिए यूज़ नहीं कर सकते कि अब अगर कोई गुटखा खा रहा है या कोई पान जो है वो खा रहा है तो उसकी पीक वहाँ पे फेंक देगा, तो देखें आप लोगों के लिए ही मसला है। आप लोग ही अगर वहाँ पर गंदगी करेंगे तो कोई भी जो है ना आउटडोर डाइनिंग करना पसंद नहीं करेगा। आप कराची में तो लोग करते हैं वो एक सर्कल चल रहा है, लेकिन बहरिया टाउन कराची में जहाँ पे इतनी ऑलरेडी सफाई है तो वहाँ पे ये चीज़ आप लोग नहीं कर सकते, इस चीज़ का आप लोगों ने जो है वो ख्याल रखना है। अच्छा, 8वें नंबर पे आ जाता है इंश्योरिंग लॉ एंड ऑर्डर एट द आउटलेट विल बी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रेस्टोरेंट्स आउटलेट्स ओनर। भाई, ये रेस्टोरेंट के जितने भी ओनर हैं उनके ऊपर ज़िम्मेदारी है कि वो जो है बहरिया की SOPs को फॉलो करें। उसके बाद क्लीनिंग आप लोगों ने जो है डाइनिंग एरिया की करनी है और क्लोजिंग के बाद भी क्लीनिंग का ख्याल रखना है और क्लोजिंग से पहले भी जब तक आपका रेस्टोरेंट ओपन है तो आप लोगों ने क्लीनिंग का ख्याल रखना है। इन केस ऑफ एनी वायोलेशन ऑफ अबव SOPs हैवी पेनल्टी विल बी इम्पोस्ड एंड ऑपरेशन ऑफ द शॉप विल बी सस्पेंडेड फॉर 1 वीक। यार, इस चीज़ का आप लोगों ने ख्याल रखना है। हमारे जितने भी रेजिडेंट्स हैं
जितने भी हमारे रेस्टोरेंट्स के ऑनर्स हैं उन लोगों की ये जिम्मेदारी बनती है कि यार जहाँ पे भी आप आउटडोर डाइनिंग कर रहे हैं उसकी सबसे पहले बैरियर से परमिशन लें, उसके बाद वहाँ पे सफाई सुथराई का ख्याल रखें, बैरियर की SOPs को फॉलो करें, क्योंकि बहुत टाइम से हम लोग इस चीज़ का वेट कर रहे थे कि यार आउटडोर डाइनिंग हो। बैरियर डाउन कराची वाले इस चीज़ को बहुत टाइम से मिस कर रहे थे कि आउटडोर डाइनिंग कहीं पर हम नहीं कर सकते हैं, बैरियर से बाहर जाना पड़ता है। तो ये अभी बैरियर ने अगर हमें इस चीज़ की परमिशन दी है तो हम लोगों की जिम्मेदारी बनती है इस चीज़ का ख्याल रखें, सफाई सुथराई का, बैरियर की SOPs का। तो जी ये एक बैरियर की तरफ से बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। जो लोग बैरियर टाउन कराची में RRD कारोबार कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं या RRD प्लानिंग कर रहे थे, वो इस वजह से नहीं आ रहे थे कि यार बैरियर में तो बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस हैं, आउटडोर डाइनिंग नहीं कर सकते हैं, टाइमिंग के मसले मसाइल हैं, और जो लोग जो रेजिडेंट हैं वो लोग मूव नहीं कर रहे थे कि उनको तो लेट नाइट कहीं बैठना होता है, सीटिंग करनी होती है, खैर बहुत ज़्यादा मसले मसाइल थे। तो वो अब नहीं है, आप लोग अपना कारोबार बहरिया टाउन कराची में लेके आए हैं। मिडवे जो कि एक हब है बहरिया का कमर्शियल, मिडवे AB रिसेंट एन ए कमर्शियल में आप लोग अपने रेस्टोरेंट्स को ओपन करें, जिनके ओपन है RRD वो उसको बेहतर करें, आउटडोर डाइनिंग करें, तो ताकि जो रेजिडेंट हैं वो भी वहाँ पे जाके जो है अपना एंजॉय करें, फैमिली के साथ सीटिंग प्लान करें, तो मेरे जैसा बंदा भी अपने दोस्तों के साथ चाय पीने जाए वहाँ पे तो रात को, क्योंकि तो इंडोर आदत नहीं है हम लोगों को, कराची वालों को भी इंडोर बैठने की आदत नहीं है, सारा दिन ऑफिस में हम लोग जो है काम करते हैं, एक चार दीवारी के अंदर बंद होते हैं, उसके बाद रात को हमें एक ऐसी जगह चाहिए होती है जहाँ पे हम आउटडोर बैठ के गपशप करें और चाय का एक कप पी लें आउटडोर बैठ के अपने दोस्तों के साथ। तो ये थी डियर व्यूअर्स आज की वीडियो, इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि बैरियर के इस इनिशिएटिव से जो है ना एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेगा। तो आप लोगों ने इस चीज़ को जो है ना वो मद्देनज़र रखना है कि इसमें कोई वायलेशन ना हो बैरियर की SOPs में। तो मियाँ आमिर को अपनी दुआ में याद रखिएगा। अभी जो बैड न्यूज़ है वो भी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों से शेयर करूँगा। गुड न्यूज़ तो ये थी जो कि आप लोगों से शेयर कर दी। जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।